अल्मोड़ा की बात करें, संस्कृति का एक पावन पवित्र गढ़ अल्मोड़ा, साहित्य कार्य की भूमि रही है अल्मोड़ा, और जो हमारे नगर के इस देश के राष्ट्र के उत्थान के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए निरंतर काम करें, अल्मोड़ा जनपद के बच्चे आपके सामने बागेश्वर, जहाँ की अपने लिए मानसिक खुश है, जो शहर में प्रणाम धन्य, और आप माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने सलामी मंच पर सलामी देते हुए, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जाना करना, प्रभु हमको सिखा देना, ये अद्भुत जो आने वाले समय में अपने कौशल के माध्यम से, अपने दक्षता, अपने निपुणता, अपने कौशलता से इस प्रदेश का नाम राष्ट्र स्तर पर रोशन करेंगे, उस भावना के साथ आगे बढ़ते हुए, नमस्ते सदा वंदे मातृभूमि नमस्ते। हम बात करते भारत के राष्ट्र की रक्षा के लिए, हम बात करते माटी पर मिल जाने के लिए, हम बात करते इस पर अपना सर्वस्व दिखाने के लिए, चमोली जनता सुनवर्ती कंदराओं का जनता है, चमोली जो अपने बाबा केदार हो या बद्री की बात करें, अपने धारे की बात करें, तो एक अपना विपरीत आस्था का अध्याय प्रारंभ होता है, चमोली जनता माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने सलामी मंच पर सलामी देते हुए, जनता व जनता अपने वीरता की भाव से लेकर के आगे बढ़ता हुआ, हे मां मेरे जीवन को अपने शरणों में सजा देना, ये जीवन अगर बलिदान के काम आ जाए तो मुझे दूर से खिला देना, अगर छुट्टी चिंता होती है इन बच्चों के भाव को देकर के थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके चलेंगे, बीच बीच में प्रत्येक जनपद काफी बेहतरीन नजारा, विभिन्न विभिन्न रंगों से सजा हुआ है, रंगोली का पर्व अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है। इस समय सलामी मंच पर हमारे यशस्वी विधायक जहाँ सलामी दे रहे हैं, ऊर्जावान विधायक है, विकास के पुत्र जाने जाते हैं, और अपने क्षेत्र के लिए लगातार काम करें, अपने कुंभ की पावन पवित्र नगरी हरिद्वार जनपद आपके सामने, जिसमें विश्व गुरु के नाम जो शराम भद्र क्या है, ऐसे हरिद्वार जनपद के हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने सलामी मंच पर सलामी देते हुए, हम दिन चार रहे न रहे मां, तेरा वैभव अमर रहे मां, बात की जाती है जीवन को मर मिटने की, बात की जाती है उस शपथ को दिलाने की जो शपथ इस राष्ट्र के काम आए, ऐसे जनपद नैनीताल आपके सामने सलामी मंच पर सलामी देते हुए माननीय मुख्य अतिथियों के सामने, बेहतरीन नजारा इस समय देखा जा रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा, ये सुखी चरितार्थ होती है ऐसे अवसर को देखकर, क्यों उल्लास और उत्सव का वातावरण इस समय देखा जा रहा है, घर के अंदर जो स्टेमिना जो एनर्जी देखी जा रही है, राष्ट्र रक्षा की एनर्जी, और देवभूमि उत्तराखंड ने हमेशा हमेशा इमारतें लिखी है भारत के भान पर, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नौनियाल जो लगातार काम कर रहे हैं इस बेहतरीन आकर्षक विभाग, अपने अनुशासन की विभाग जो मानी जाती है वो है पाठशी विभाग, पौड़ी जनपद आपके सामने अपने बेहतरीन लक्ष्य के साथ निकलते हुए, हम दिन चार रहे न रहे तेरा वैभव अमर रहे, ये बात कहीं की जाती है जिन बालकों को देख करके, कमन चांद सितारों में ढा सकते हैं, हम भी समंदरों को तह तक गंगान सकते हैं, हमारे बाजुओं को पेचिदों से नापने वालों, हम भी बूंद बूंद से दरिया निकाल सकते हैं, दरिया की बात की जाती है, ये हमारे गंभीर जो आने वाले समय में उत्तराखंड देवभूमि के नाम को शराब धन्य करेंगे, विभिन्न सेनाओं में जाकर के विभिन्न विभिन्न पदों पर अधिकारी बनकर के देश की रक्षा में जहाँ बेहतरीन योगदान देंगे, और फिर आ रहे हैं ऐसे वीरों की भूमि उत्तराखंड आपके सामने सलामी मंच पर सलामी देते हुए माननीय मुख्य अतिथि के सामने अपने प्रीत ध्वज में माननीय अतिथियों का स्वागत करते हुए सम्मान करते हुए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, चीर कर कठिनाइयों को दीप बनकर जगमगाए, ये बेहतरीन बात की जा रही है इस समय इस सलामी मंच पर, जहाँ पर की आप देख रहे हैं हमारे बच्चे हाजरा लगातार काम करने के लिए तैयार है सड़क पर जाने के लिए, जनपद रुद्रप्रयाग बाबा केदार की धरती की अगर बात करें तो हम पाते हैं कि रुद्रप्रयाग जनपद को, और जनपद रुद्रप्रयाग काफी आकर्षक बेहतरीन तरीके से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी मंच पर सलामी देते हुए आगे निरंतरता के क्रम से आगे बढ़ता जा रहा है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा तीर थाम ले मरुस्थल में जल निकलेगा, अगर ये सूखिया बताई जाती है, समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है तो मैदानों पर पढ़ाई जाती है, जहाँ
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और वही बात है लेकर के हमारा मेजबान लगातार काम कर रहा है। ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज जो पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इमारत को लिखने का काम कर रहा है मेरे जीवन में सारे रास्ते कांटों से भरे हैं लेकिन मैंने फिर भी इन मार्गों को चयन करने का फेरा उठाया है और इस मैदान की संकल्प सिद्धि के लिए आपके सामने मंच पर ही जैसा बहुत ही शानदार और बेहतरीन आकर्षक तरीके से सलामी मंच पर सलामी देते हुए श्रीदेव सुमन की पावन भूमि जारी जाती है जो टिहरी जनपद और जनपद से बाकी टीम माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी मंच पर सलामी देते हुए और अपने भी काफी बड़ा लक्ष्य को लेकर के चलने वाला ये कार्यक्रम बहुत ही आकर्षक और बेहतरीन लगता जा रहा है। आप सब देख रहे हैं काफी बेहतरीन नजारा भारत की भूमि का आन बान शान के प्रतीक के रूप में हमारे आने वाली पीढ़ियां इस देश की रक्षा करेंगी इस प्रदेश का नाम सुनाम धन्य करेंगी ये बात इस समय देखी जा रही है। इस सलामी मंच की शांति जहाँ से गुजरते हुए हमारे पूरे इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक नगर उधम सिंह नगर को जाना जाता है उत्तराखंड की धरती में जहाँ का निर्माण अपने पावनता और पवित्रता की बात करता है और बात करता है कि साफ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भले निर्माण से इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले हम चरित्र निर्माण न भूले आचरण की पवित्रता चरित्र की महानता और जीवन की सुगंधता को हम लेकर के आगे आगे बढ़ेंगे। ऐसे भाव को लेकर के चलने वाली काशी विश्वनाथ की पावन धरती मानी जाती है उत्तर काशी जहाँ काशी वासी विश्वनाथ की बात हम करते हैं और वहीं से उत्तर काशी के जनपद के बच्चे काफी लाजवाब तरीके से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी मंच पर सलामी देते हुए उनके सामने से गुजरते हुए कंधा से कंधा मिलाते हुए और कदम से कदम मिलाते हुए कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है काम की।